प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 23 जून 2022, और 23 जून 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज 23 जून 2022 टूडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और कल मैंने टेलीग्राम पर भी मैंने इसका लिंक डाल दिया है टेलीग्राम का, तो वहाँ पर भी इसका ज्वाइन आप करके ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो आपको पता है 21 जून को हाल ही में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? ये जीता है मैक्स वेस्टपेन ने। किसने? मैक्स वेस्टपेन ने। हाल ही में प्रो लीग हॉकी चैंपियनशिप कौन सा देश बना है? तो ये बना है हॉलैंड। कौन सा बना है? अभी हाल ही में प्रो हॉकी लीग चैंपियनशिप बना है हॉलैंड, और इसमें भारत है जो तीसरे स्थान पर रहा है। आपसे पूछे तो इसमें कौन से है जो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला देखो, हाल ही में किसने IISC सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है? ये किया है गुजरात में। हाल में कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा? तो ये बना रहेगा पाकिस्तान। कौन बना रहेगा? पाकिस्तान। हाल ही में द बुक ऑफ फार्म एंड एम्पिटनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रूथ ओजेकी ने। किसने? रूथ ओजेकी। ये एक लेखिका थी, और इसके उपन्यास के लिए इसने ये पुरस्कार जीता है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व संगीत दिवस 2022 मनाया गया है 21 जून को। कब मनाया गया ये? 21 जून को। देखो, विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस 2022 की थीम क्या है? म्यूजिक ऑन द इंट्रैक्शन है। क्या है इसकी थीम? है म्यूजिक ऑन द इंट्रैक्शन। और अभी हाल ही में क्या है, विश्व संगीत दिवस 120 देशों के द्वारा ये मनाया जाता है। तो कितना खास ये दिवस है जो 21 जून को मनाया जाता है, और 120 देशों के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू को। किसको किया है? अब आपको पता है हमारे जो नए राष्ट्रपति हैं, उन जो 21 को उनको चुनाव हुए थे, 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू को अभी राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए क्या है, एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। देखो मुख्य तथ्य, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और उसके बाद में देखो, द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। तो ये पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राज्यपाल है। तो ये मोस्ट कर देना, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में छपेगा। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे भी कौन सी आदिवासी महिला राज्यपाल है, तो वह है द्रौपदी मुर्मू, और ये झारखंड की पहले राज्यपाल रह चुकी है। तो ये 2015 से लेकर क्या है, 2021 तक ये राज्यपाल रह चुकी है। अगला देखो, हाल ही में पाँचवें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में पाँचवें जो कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो वो है सुनील छेत्री। कौन है? अब आपको बताया, एक नंबर पे सबसे ज़्यादा गोल किसने किए थे? क्रिस्टो रोनाल्डो ने। ये मैंने आपको बता दिया है किसने, क्रिस्टो रोनाल्डो एक नंबर पर चलते हैं, और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पाँचवें नंबर के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया कप 2023 क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के लिए खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल इन्होंने
किया है। तो ये भारतीय पुरुष फुटबॉल की टीम के कप्तान है सुनील छेत्री, उन्होंने हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल है किया है। अब आपको मैं 5 टॉप बता देता हूँ शीर्ष गोलर कौन है। तो अब आपको पता है 117 गोल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है, एक नंबर पे है। दो नंबर पे कौन है, 109 गोल के साथ ईरानी के अल डेही, 89 गोल के साथ है मलेशिया के मुख्तार दहारी, और 86 गोल के साथ है लियोनेल मेसी, और 5 नंबर पे 84 गोल के साथ है सुनील छेत्री और फेरेंगे पुष्कर। तो देखना अभी सुनील छेत्री है जो 5वें के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में किस देश ने महिला कुश्ती टीम में क्या है अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप जीती है। तो ये जीती है अपने देश भारत ने। किसने, अपने देश है भारत ने। देखो मुख्य तथ्य, भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण पदक इसमें 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा है। तो ये ध्यान रखना, भारत ने इसमें क्या है 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इसमें क्या है कुश्ती महिला कुश्ती चैंपियनशिप में इसने ये खिताब जीता है। जापान 143 अंक के साथ दूसरे पर है और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दूसरे स्थान भी याद रखना है जापान है और तीसरा स्थान भी मंगोलिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना है असम। कौन सा राज्य बना है, असम राज्य बना है। देखो असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन चुका है। इसके साथ जो है वन नेशन वन कार्ड योजना को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक इसको लागू किया जाएगा। तो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। और अभी वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य असम बन चुका है। अगला देखो, हाल ही में किस देश की खूबसगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश की खूबसगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो ये है किस देश की, मंगोलिया की। किसकी है, मंगोलिया देश की। देखो मुख्य तथ्य, मंगोलिया के खूबसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में इसको जोड़ा गया है। इसे दो बहन झीलों की छोटी बहन के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, इस झील का उपनाम क्या है, इसे दो बहन झीलों की छोटी बहन के उपनाम से भी दिया गया है। अब यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस। यूनेस्को के सदस्य देश कितने हैं, 193 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री ने B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री ने B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है, ये किया है बेंगलुरु में। कहाँ पर किया है, बेंगलुरु शहर में। देखो प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने के साथ ही भारतीय संविधान निर्माता B.R. अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये ध्यान रखना, कर्नाटक बेंगलुरु में गया है इन्होंने, साथ साथ में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया और इसके साथ साथ अंबेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की है। ये निपुण एक योजना की शुरुआत की है, ये किसने की है, तो हमारे ये शहरी आवासीय मंत्री हैं, किसने, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने क्या है अभी निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल को बढ़ावा देने के लिए निपुण योजना की शुरुआत की है। देखो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया है। तो ये ध्यान रखना, बस इस योजना का आप नाम याद रखना, क्या नाम है, निपुण योजना। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध किया जाएगा, यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाएगा। तो अब आने वाली 1 जुलाई 2022 को क्या है, अभी केंद्र सरकार
सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देगी। अब देखो मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिर्वाह किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मोदी जी ने इसकी जून 2018 की घोषणा के अनुसार भारत 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर देगा। तो ध्यान रखना भी जून 2018 में इसकी घोषणा की गई कि भारत 2022 तक क्या है, एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक को पूरी तरह बंद कर देगा। अब वर्तमान में पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है, अश्विनी चौबे, तो ध्यान रखना पूछा जा सकता है हमारे वर्तमान में पर्यावरणीय राज्य मंत्री कौन है, अश्विनी चौबे। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सोनू फोगोट की पुस्तक अष्टयाग योग का विमोचन किया है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सोनू की फोगट की पुस्तक अष्टांग योग किया है, ये किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने किया है डॉक्टर सोनू फोगट की पुस्तक है अष्टांग योग का विमोचन किया है। देखो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सोनू फोगट द्वारा लिखी गई पुस्तक है अष्टांग योग का विमोचन किया है। तो ये बस इतना आप अच्छी तरह से याद रखना। अगला देखो, हाल ही में कौन सा राज्य माइक्रो फाइनेंस ऋण में सबसे बड़ा राज्य बना है, हाल ही में कौन सा राज्य माइक्रो फाइनेंस ऋण में सबसे बड़ा राज्य बना है, तमिलनाडु, कौन सा बना है, तमिलनाडु राज्य। देखो मुख्य तथ्य, तमिलनाडु ने माइक्रो फाइनेंस ऋणों को बकाया पोर्टफोलियो के मामलों में सबसे बड़ा राज्य बनने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल को स्थान ले लिया है, तो इसने पीछे छोड़ दिया है बिहार और पश्चिम बंगाल का, इसने स्थान ले लिया है, किसने, तमिलनाडु ने। 31 मार्च 2022 तक तमिलनाडु का सकल ऋण पोर्टफोलियो 36,806 करोड़ रुपए था, कब से, 31 मार्च 2022 तक तमिलनाडु का सकल ऋण पोर्टफोलियो 36,806 रुपए था, और अभी में क्या है, माइक्रो फाइनेंस में सबसे बड़ा राज्य बन चुका है, कौन सा, तमिलनाडु। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में बालिका पंचायत का सफल आयोजन शुरू करने वाला राज्य बना है, तो ये बना है गुजरात, तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है, हाल ही में किस देश का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया है, वियतनाम, कतर, बेल्जियम, जर्मनी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे यस्ट डोज हमारी क्या थी, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील, लोकटक झील है मणिपुर में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी भारत में है ये, तो मणिपुर में है, लोनार झील है महाराष्ट्र में, नागिन झील है जम्मू कश्मीर में, और भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात, कौन सा है, जोग जलप्रपात। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, लगातार मुझे इसी तरह जवाब देते रहिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये बताना है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, और शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है, और जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना, लगातार आपको वीडियो मेरी उपलब्ध हो रही है, और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं खरीदी है, तो मैं आपको 8239355343, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे पेटीएम, फ़ोनपे, पेटीएम की सुविधा है, 40 रुपये आपको पे करने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से राजस्थान और इंडिया की आपको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन हमारी लगभग पीडीएफ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, इसलिए हम आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवा रहे हैं। तो लाइक शेयर करना आपका काम है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।